हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिने टीवी ओडिशा। तो फ्रेंड्स, आज आम वीडियो रे डिस्कशन करिबा किछि इंपोर्टेंट जीके एंड करंट अफेयर्स क्वेश्चन जहाँकि आप मानकर जूनियर टीचर स्कीमेटिक रिक्रूटमेंट 2023 मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो। ये होची जीके क्लास नंबर 12, एथरे आम डिस्कशन करिबा टोटल 45 क्वेश्चन। आप चाहिए आउट ऑफ 45 केते स्कोर रखुछंती कमेंट बॉक्स रे निहाती भाबे जणाई पारिबे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करिया पूर्व किछि इंपोर्टेंट इनफॉर्मेशन कहि रखुछि। एथरे आम डिस्कशन करिबा आप मानकर जूनियर टीचर सिलेबस अनुजाई जहाँकि आप मानकर ओडिशा जीके करंट अफेयर्स रोचे आउ इंटरनेशनल करंट अफेयर्स रोचे ता सहित आप स्टैटिक जीके रोचे हिस्ट्री रोचे। तो से हिसाब से सिलेबस हिसाब से मुझे आसी क्वेश्चन ए 45 क्वेश्चन अच्छी आप मर बहुत पिला भावुं जूनियर टीचर आसबुन के आसो। तो जूनियर टीचर आमर खूब शीघ्र आसवाक जाए अगस्त मस शेष सुधा निहत भाव आसब नचे सेप्टेम्बर फास्ट अगस्त लास्ट भितर आसो। तो तापरे आप बेस समय मिलेन से प्रिपेरेसन एवं ही करूँ कहीं आप कंपिटिशन बहुत हार्ड हे देढ़ लक्ष ऊपर पिला आप कंपिटिटर रे। तो से हिसाब से आपको कट ऑफ हाई जीव। तो से हिसाब से आपको प्रिपेरेसन करा पड़ो। तो एवं प्रिपेरेसन स्टार्ट करूँ जहाद्वारा आप आराम से भल स्कोर करें। तो प्रथम क्वेश्चन सहित स्टार्ट करवा वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट इज द टाइटल ऑफ द शॉर्ट मूवी सीरीज लॉन्च्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू मोटिवेट द एथलीट्स हेडिंग टू एशियन गेम्स। तो आप समस्ते जानते आम एशियन गेम्स अपकमिंग एशियन गेम्स आम चाइनार होगा जाए चाइनार हंगजो सहर में जाऊँच अपकमिंग एशियन गेम्स से वर्तमान जो आम जो एथलीट्स मैंने मोटिवेट करने रिसेंटली स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जार शॉर्ट फिल्म रोचे साई साई द्वारा गोटे शॉर्ट मूवी सीरीज लॉन्च करा जाए। तो से सीरीज ना कौन से पचार सीरीज ना हूँ हल्ला बोल। एग्जाम पाई मोस्ट इंपोर्टेंट रहिबो हल्ला बोल। एटा आमर साई जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर रे अम्ब्रेला कैंपेन ता अंडर रे चीर फॉर इंडिया अंडर रे एटा आमर जो एथलीट मान को एथलीट्स मान को मोटिवेट करिया पाई एई आमर शॉर्ट मूवी सीरीज को लॉन्च करा जाए। तो एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबो हल्ला बोल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर जोरम एट डर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। रिसेंटली डर्बन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रे जोरम पिक्चर को जोरम पिक्चर रे कहा को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया जाए। तो बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया जाए कहा को से होचंती मनोज बाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टीम ओन द 2023 मेजर लीग क्रिकेट। तो 2023 मेजर लीग क्रिकेट चली जानते युसुफ पठान 26 बॉल रे 82 रन मारी निकलस पुरन बहुत भल खेली से निकलस पुरन कैप्टेन थे एमआई मुंबई इंडियंस न्यूयॉर्क टीम रे से जीति किए जीति ना एमआई न्यूयॉर्क यहाँ आमर मुकेश अंबानी टीम एमआई न्यूयॉर्क ये आमर 2023 मेजर लीग क्रिकेट को जीति। तो करेक्ट आंसर होची एमआई न्यूयॉर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु एमर्ज्ड एज द हाईएस्ट पेड बैंक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इन फाइनेंशियल ईयर 2023। तो 2023 आर्थिक वर्ष रे क्यों बैंक रो सॉरी क्या बैंक रो किए सब अधिक पेमेंट वाला सीईओ माने को सीईओ को सब अधिक पेमेंट मिले 2023 रे दिया जाए हाईएस्ट पेमेंट दिया जाए को सीईओ को ना एचडीएफसी बैंक रो सीईओ शशिधरन जगदीशन आउ चारिटा ऑप्शन मत देखु एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहबे काकिना आप मानकर बैंक रो मध्ये सीईओ पचारुछि। तो आईसीआईसीआई बैंक रो सीईओ अछंति संदीप बक्सी एक्सिस रो अछंति अमिताभ चौधरी आ फेडरल बैंक रो अछंति श्याम श्रीनिवासन आउ एचडीएफसी रो सीईओ अछंति शशिधर जगदीशन आउ सबुठारु अधिक पेमेंट दिया जाउछि काकु ना एचडीएफसी बैंक रो सीईओ शशिधर जगदीशन एचडीएफसी बैंक रो सीईओ शशिधर जगदीशन सबुठारु हाईएस्ट पेमेंट पाउछंती। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इन व्हिच केस वाज पाकिस्तान फॉर्मर पीएम इमरान खान सेंटेंस टू 3 years इन जेल। से कहे जे रिसेंटली कौ केस रे पाकिस्तान रो पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान को 3 वर्ष जेल दंड दिया गला।
तो कौ केस पाई पचारे छि तो पूर्वतन पीएम प्रधानमंत्री इमरान खान पाकिस्तान रो तांकु तोसाखाना केस पाई तोसाखाना केस पाई 3 वर्ष जेल दंडादेश दिया जाय छि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इनॉग्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 एट द प्रगति मैदान इन न्यू दिल्ली। नुआ दिल्लीर प्रगति मैदान रे फेस्टिवल ऑफ लाइब्रेरीज 2023 को किए उद्घाटन करमर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हाज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीआईसी। सीबीआईसी फुल फॉर्म होउछि सीबीआईसी रो फुल फॉर्म होउछि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। तो सीबीआईसी रो नुआ चेयरमैन वर्तमान बनिछन्ति संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन रही वेयर हैज द रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लाइव कैंपेन बीन स्टार्टेड। तो से कहि कौटी कौ स्टेट रे रिसेंटली कौ स्टेट रे रिसेंटली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लाइव कैंपेन को स्टार्ट करा जाए छी। तो ये हमर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अंडर वाटर माइन डिटेक्शन वाज लॉन्च्ड इन द कंट्री इट्स नेम। तो से कहे प्रथम थर पर आम देश में अंडर वाटर माइन डिटेक्शन को अंडर वाटर माइन को डिटेक्शन करने गोटे AUV ऑटोमेशन अंडर वाटर व्हीकल गोटे लॉन्च करा जाए ता ना कौन से पचारे ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल माने से ऑटोमेटिक जाए कि पानी भितर जाए कि से डिटेक्शन कर माइन गुड़ा को डिटेक्शन कर। तो अंडर वाटर ऑटोमेशन अंडर वाटर व्हीकल ए फॉर ऑटोमेशन यू फॉर अंडर वी फॉर व्हीकल ऑटोमेशन अंडर वाटर व्हीकल ता ना होची निराखी। निराखी रो मीनिंग होची इंग्लिश रे आईज ऑफ वाटर। तो ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर निराखी एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ कंबोडिया। तो कंबोडिया रो वर्तमान नुआ प्रधानमंत्री किए नियुक्ति होईचंती आमर रिसेंटली आमर OSSC द्वारा अकाउंटेंट एग्जाम होता से पचार चाइनार प्राइम मिनिस्टर किए आपर वर्तमान जो रही रुषिया पाखे आम रही बेलारुस तार किए वर्तमान प्रेसीडेट अच्छा ये सब क्वेश्चन पचार इंपोर्टेंट रहा। तो कंबोडिया वर्तमान रिसेंटली नुआ प्राइम मिनिस्टर नियुक्ति होती हुन मानेट आर राजा अच्छा नोरोडोम सिओमणि से प्रधानमंत्री रूपे अपॉइंटमेंट कर तांकर राजा अच्छा नोरोडोम सिहामोनी से अपॉइंटमेंट कर हुन मानेट को प्रधानमंत्री रूपे। तो ये करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर सी हुन मानेट। नेक्स्ट क्वेश्चन रही रिसेंटली व्हिच लीडर ऑफ लोकसभा मेंबरशिप हैज बीन रिस्टोर्ड बाय द लोकसभा सेक्रेटेरिएट। से कौन रिसेंटली कौ नेता लोकसभा मेंबरशिप को पुणी माने पुनः दिगला माने पुणी थे से लोकसभा मेंबर फेरी पाइले किए तांकर लोकसभा मेंबरशिप को रिजेक्शन करा जाइतिला सेटा वर्तमान पुनः से माने फेरी पाइले किए से होचिन राहुल गांधी को पुणी लोकसभा मेंबरशिप तांकु दिया गला। तो ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर राहुल गांधी एडा मते इंपोर्टेंट रहिबो कहिना एडा पॉलिटिकल रिलेटेड करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपमन पई हाउ मेनी रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री विल बी मॉडर्नाइज्ड अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो से कहे अमृत भारत स्टेशन स्कीम अंडर रे आमर इंडिया रे टोटल केतोटा रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करा जीवो आधुनिकीकरण करा जीवो। तो टोटल 508 रेलवे स्टेशन को मॉडर्नाइज करा जीवो एग्जाम पे इंपोर्टेंट हो ये क्वेश्चन अपने वर्तमान ट्रेंडिंग रे अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन इन आर्चरी। से कहे कौ इंडियन सबुठ कम बयसर इंडियन किए वर्ल्ड चंपियन आर्चरी बनी आर्चरी वर्ल्ड चंपियन बन सबु कम बयसर इंडियन किए से पचारे। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी आदिति गोपीचांद स्वामी मिडिल नेम होची गोपीचांद। तो मुझे गोपीचांद लेखिनी आदिति स्वामी। तो आदिति गोपीचांद स्वामी होती इंडिया सबुठ यंगेस्ट वर्ल्ड चंपियन इन आर्चरी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच इंडियन प्लेयर हैज ओन द डबल्स टाइटल इन द वुमेन्स टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट इन स्पेन। तो स्पेन रे आमर से कही वुमेन्स डबल टेनिस हार्डकोर्ट इवेंट रे किए आमर इंडियन प्लेयर डबल्स टाइटल जीति। तो ये आम करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर ए प्रार्थना थोम्बारे।
प्रार्थना थुम्बारे स्पेन रे थिबा हार्डकोर्ट इवेंट टेनिस टूर्नामेंट वुमेन्स डबल टाइटल विनर होचंती प्रार्थना थुम्बारे। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द प्रेजेंट होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। तो इंडिया रे वर्तमान होम सेक्रेटरी गृह सचिव किए अच्छा वर्तमान इंडिया रे गृह सचिव अच्छा अजय कुमार भल्ला। कहीं यहाँ न्यूज आसला कहीं रिसेंटली कार्यकाल शेष होगाक जाऊला तो वर्तमान तर कार्यकाल वन इयर एक्सटेनसन कराला मानते गोटे वर्ष आउ वृद्धि कराला तो से आमर इम्पोर्टेन्ट रही कहीं एग्जाम पचारिपारे रिसेंटली वर्तमान आमर किए सेक्रेटरी होम सेक्रेटरी अच्छा जहाँ कार्यकाल को गोटे वर्ष वृद्धि कराला तो से होती अजय कुमार भल्ला आमर गृह सचिव वर्तमान अजय कुमार भल्ला अच्छा कार्यकाल को आउ गोटे वर्ष वृद्धि कराला अजय कुमार भल्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन रही इंडिया ओन एशियन कबाडी चंपिशिप 2023 हेल्ड इन बुसान साउथ कोरिया होम डीड इंडिया डिफिट इन फाइनाल। से कौच इंडिया आमर एशियन कबाडी चंपिशिप 2023 जहाँकि आमर जो एशियन कबाडी चंपिशिप 2023 साउथ कोरियार बुसान ठारे चली साउथ कोरियार बुसान ठारे एशियन कबाडी चंपिशिप 2023 चली इंडिया विनर होती तो क्या परास्त करी तो ईरान को परास्त करी इंडिया विनर बनी ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर ईरान। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच टू पर्सन हैव द हाईएस्ट एंड सेकेंड हाईएस्ट फॉलोइंग एट ट्विटर रेस्पेक्टिवली। से कहे क्रमान्वय किए सब अधिक ट्विटर रे अधिक फॉलोअर्स किए प्रथम आउ सेकंड दीज व्यक्ति नाम को ट्विटर रे सब अधिक फॉलोअर्स तो सब अधिक फॉलोअर्स होती ट्विटर रे सब नंबर वन होती एलन मस्क जे कि स्पेस एक्स रो मालिक आउ वर्ल्ड रो सबुठारु धनी व्यक्ति वर्ल्ड रो सबुठारु रिचेस्ट पर्सन होती एलन मस्क एलन मस्क। तो नेक्स्ट होची आउ द्वितीय होची बाराक ओबामा जी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अमेरिकार पूर्वतन प्रेसिडेंट थिले तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बा एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रो वर्तमान चेयरपर्सन किए अछंती तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रो नुआ चेयरपर्सन रिसेंटली बनी छंती एटा जुलाई मासर करंट अफेयर से होचंती जस्टिस शिव कुमार सिंह। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो काहे कि एटा जुलाई मासर करंट अफेयर आ आपन माने एग्जाम रे लेटेस्ट करंट अफेयर्स ऊपर अधिक फोकस करूछ कहीं एटा आमर एग्जाम अगस्त मासरे अगस्त 4 रे हेतिला जहाँ कि अकाउंटेंट एग्जाम ओएससी रो किंतु जुलाई रो लेटेस्ट करंट अफेयर्स को पकोउछ तो ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर जस्टिस शिव कुमार सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान इंडिया रो अटॉर्नी जनरल किए अच्छा महान्यायवादी वर्तमान किए अच्छा वर्तमान इंडिया अटॉर्नी जनरल होती किए से होती आर वेंकट रमणी। आपको पचार सॉलिसिटर जनरल किए अच्छा तो हम तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल एग्जाम पे इंपोर्टेंट मे बी पचारि पारे हु इज द करेन्ट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तो तुषार मेहता होती वर्तमान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होती आर वेंकट रमणी। एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहइबो ए दुटा आपनकर मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही 22nd लॉ कमिशन रिसेंटली रिलीज इट्स रिपोर्ट ऑन यूनिफॉर्म सिविल कोड हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमिशन। तो रिसेंटली आमर 22तम लॉ कमिशन रिसेंटली रिलीज कर गोटे रिपोर्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड उपरे तो वर्तमान 22तम लॉ कमिशन रो चेयरमैन किए अच्छा 22तम लॉ कमिशन रो चेयरमैन अच्छा जस्टिस ऋतुराज अवस्थी। नेक्स्ट रही इंडियन फुटबॉल टीम ओन हीरो इंटरनेशनल इंटरकॉन्टिनेंटल कप इन फाइनल एट कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर हुम डिड द डिफीट इन फाइनल। से कहे जे आमर भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम रे हीरो कॉन्टिनेंटल कप फाइनल मैच होता से इंडियन फुटबॉल टीम विजय लाभ करी इंडियन फुटबॉल टीम विजय लाभ करी तो क्या परास्त करके इंडिया फाइनल जीति तो इंडिया फाइनल रे कहा को परास्त करछि ना लेबानन को परास्त करछि लेबानन को ऑप्शन नंबर ए होउछि करेक्ट आंसर लेबानन।
नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ बेलारूस हु रिपोर्टली नेगोशिएटेड ट्रूस बिटवीन वाग्नर चीफ एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन तो से कौच वर्तमान बेलारूस राष्ट्रपति किए अच्छा जी कि वाग्नर चीफ वाग्नर हूँ रशिया गोटे प्राइवेट आर्मी आर्मी ग्रुप तो वाग्नर चीफ चीफ एवं रशियन प्रेसिडेंट रशिया राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मध्य मध्यस्थता करते नेगोसिएट करते मैं मध्यस्थता करते बेलारूस राष्ट्रपति तो ना कौन से पचारि बेलारूस राष्ट्रपति किए बेलारूस राष्ट्रपति होती आलेक्जांडर लुकाशेंको आलेक्जांडर लुकाशेंको बेलारूस राष्ट्रपति आउ रशिया राष्ट्रपति होती व्लादिमीर पुतिन एग्जाम इंपोर्टेंट कहीं वर्तमान दीर्घ देढ़ वर्ष आप रशिया यूक्रेन वार चली तो रशिया राष्ट्रपति होती व्लादिमीर पुतिन आउ बेलारूस राष्ट्रपति आलेक्जांडर लुकाशेंको आउ यूक्रेन राष्ट्रपति होची वोलोदिमिर जेलेंस्की आउ अमेरिकार राष्ट्रपति होती आमर जो बाइडेन आउ आप यूएस यूके यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर अच्छा ऋषि सुनक ये सब मन रखुद कहीं वर्तमान जो रशिया यूक्रेन वार चलती फोकस रोच यही सब राष्ट्रपति कहीं देश गुड़ाक इनक्लूड अच्छा एक्टिव अच्छा से मानकर प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर उपरे क्वेश्चन आसीपे नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द टाइटल ऑफ अटलांटा ओपन 2023 2023 अटलांटा ओपन को किए जीति ओपन अटलांटा ओपन टाइटल किए जीति तो करेक्ट आंसर होची टेलर फ्रिट्ज अलेक्जेंडर भुके को परास्त करके विनर होती नेक्स्ट रही हु ओन द टाइटल ऑफ देवधर ट्रॉफी 2023 2023 देवधर ट्रॉफी टाइटल विनर किए देवधर ट्रॉफी गोटे क्रिकेट रिलेटेड तो 2023 देवधर ट्रॉफी टाइटल विनर होचंती साउथ जोन 50 ओवर रे 328 रन करथिला आउ ता बदल रे ईस्ट जोन कौन कला ना 283 रे ऑल आउट हो जाइछ तो कहाँ को परास्त करछि ना ईस्ट जोन को परास्त करके साउथ जोन 2023 देवधर ट्रॉफी को जीति एग्जाम पचारिबो देवधर ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट्स और गेम्स तो देवधर ट्रॉफीटा क्यों खेल सहित संपर्कित एग्जाम एमती आसुची तो देवधर ट्रॉफी होची क्रिकेट खेल रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु विल बी ऑनर्ड विथ द डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड एट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न तो इंटरने IFFM फुल फॉर्म होची IFFM फुल फॉर्म होची इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न रे मेलबोर्न रे डाइवर्सिटी सिनेमा अवार्ड रे कहा को सम्मानित करा जीवो तो करेक्ट आंसर होची मृणाल ठाकुर जने एक्ट्रेस अभिनेत्री नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु इज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम इन द वर्ल्ड कप 2023 2023 हॉकी वर्ल्ड कप आम भुवनेश्वर से इंडियन हॉकी टीम रो कैप्टन किए थे से पचारी इंडियन हॉकी टीम रो कैप्टन थे हरमनप्रीत सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हेयर वाज द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 हेल्ड तो 2023 हॉकी वर्ल्ड कप कौटी होता से पचारूँ तो आम इंडिया होता इंडिया भुवनेश्वर एंड इंडिया ओडिशा स्टेट रे भुवनेश्वर एंड आप मानकर राउरकेला बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम एंड भुवनेश्वर कलिंग स्टेडियम ए दुटा स्टेडियम आम होता हॉकी वर्ल्ड कप 2023 नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु ओन द हॉकी वर्ल्ड कप 2023 2023 हॉकी वर्ल्ड कप को किए जीति 2023 हॉकी वर्ल्ड कप विनर होती जर्मनी विन करस्त कर बेल्जियम को परास्त करके से विनर बनी एग्जाम इंपोर्टेंट रहा कहीं ये आम ओडिशा होता है 2023 हॉकी वर्ल्ड कप विजेता किए मे भी पचारि पारे नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच रेलवे स्टेशन हैज बीन अवार्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद द हाईएस्ट रेटिंग ऑफ प्लैटिनम तो प्लैटिनम अवार्ड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन हिसाब से कौ रेलवे स्टेशन को दि जाएगी तो करेक्ट आंसर होची विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द फूड प्राइस इंडेक्स तो से कहते फूड प्राइस इंडेक्स कौ ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करुच्ची बा रिलीज करुच्ची फूड प्राइस इंडेक्स को रिलीज करुच्ची FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन
नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2023। तो 2023 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट्स को किए रिलीज करछि, को ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करछि, एटा रिलीज करछि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ऑप्शन नंबर डी होछि करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु हैज ओन द 71st मिस यूनिवर्स टाइटल 2022। तो 2022 मिस यूनिवर्स टाइटल विजेता किए, तो ये चार ऑप्शन रही आम सठिक आंसर ऑप्शन नंबर बी आर बोनी गैब्रियल। नेक्स्ट रही हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडिया टू फ्लाई सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट। से कहते प्रथम प्रथम महिला किए जे इंडिया प्रथम महिला किए जे कि सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट को उड़ान भरी, तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर सी अवनी चतुर्वेदी। अवनी चतुर्वेदी एगुड़ाक स्टैटिक जीके एग्जाम पे इंपोर्टेंट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट इंडियन बॉक्सर टू विन एन ओलंपिक मेडल। से कहते ओलंपिक मेडल जीति प्रथम भारतीय बॉक्सर किए, ओलंपिक मेडल जीति प्रथम भारतीय बॉक्सर होती विजेंदर सिंह, विजेंदर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हाट आर द टू डांस फॉर्म ऑफ आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दुईटा डांस फॉर्म कौन से पचार, तो आंध्र प्रदेश दुईटा डांस फॉर्म होची कुचिपुड़ी एंड बुरा कथा। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न अवार्ड। भारत रत्न अवार्ड जीति प्रथम भारत रत्न अवार्ड पाई प्रथम इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन किए, भारत रत्न अवार्ड पाई प्रथम स्पोर्ट्स पर्सन होती सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द पाइक रेबेलियन टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ। तो कहार नेतृत्व में पाइक रेबेलियन आमर आरंभ होता, तो पाइक रेबेलियन पाइक विद्रोह आरंभ होता बक्सी जगबंधु नेतृत्व में, बक्सी जगबंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन रही हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट विथआउट ऑक्सीजन। एग्जाम पे इंपोर्टेंट एटा आमर स्टैटिक जीके, से कहते बिना ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन बिना आमर माउंट एवरेस्ट को आरोहण कर प्रथम भारतीय महिला किए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पियाली बसक, पियाली बसक। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज। तो इंडिया रो प्रथम लॉ ऑफिसर किए पचार, प्रथम लॉ ऑफिसर होती अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही पॉइट बलराम दास वाज द कंटेम्परेरी ऑफ। तो बलराम दास, कवि बलराम दास कौ राजा समसामयिक थे, मानने कौ राजा शासन समय बलराम दास जड़े कवि थे, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रताप रुद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्री चैतन्य द फेमस वैष्णव सैंट ऑफ बंगाल हेड कम टू ओडिशा ड्यूरिंग द रेन ऑफ। से कहते जे प्रसिद्ध वैष्णव सन्यासी श्री चैतन्य बेंगल रु आसी थिले ओडिशा रे किए शासन कला समय रे, ओडिशा रे सेतबेले किए शासन करथिले, सेतबेले के करथिले ना प्रताप रुद्रदेव राजा थिले, सेही समय रे श्री चैतन्य बेंगल रु ओडिशा को आसी थिले। नेक्स्ट रही कलिंगा किंग खारगल वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी। तो से कहते कलिंग राजा खारगल कौ डायनेस्टी रे बिलोंग करछंती, से चेदी डायनेस्टी रे बिलोंग करछे, चेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फेमस संस्कृत ड्रामा परशुराम विजय वाज रिटर्न बाय होम। तो प्रसिद्ध प्रसिद्ध संस्कृत ड्रामा परशुराम विजय को किए लिखी, एटा को लिखी कपिलेन्द्र देव, कपिलेन्द्र देव। ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रही जोरोंडा एंड बरहेपाणी वाटरफॉल्स आर ए पार्ट ऑफ व्हिच नेशनल पार्क। जोरोंडा वाटरफॉल आ बरहेपाणी वाटरफॉल ए दुटा जलप्रपात कौ नेशनल पार्क अंश विशेष अटे, तो करेक्ट आंसर होची सिमिलपाल नेशनल पार्क जहाँकि आम मयूरभंज जिले में अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन रही आपण मानी आज लास्ट क्वेश्चन रही राउरकेला स्टील प्लांट वाज एस्टाब्लीश्ड विथ द हेल्प ऑफ व्हिच कंट्री। तो राउरकेला स्टील राउरकेलार जो स्टील प्लांट रही सेटा कौ देशर सहायतार निर्माण करा वेस्ट जर्मानी सहायतार निर्माण करा जिके आम हिसाब से एग्जाम आसीपे जिके सेक्शन नहीं, तो आपर कौन आसो आपर सोशियाल स्टडीज रही सोशियाल स्टडीज आपर यहाँ आसो, तो इम्पोर्टेन्ट रहा।
तो फ्रेंड्स ये आज टोटल 45 क्वेश्चन। आई होप आपको भिडियो भल लगे, जब भिडियो भल लगे तो निहत गोटे लाइक करेंगे, सहित अधिकारू अधिक मात्रा में कृपया सांगसा मैं निहत भाव सेयार करेंगे। आपने के स्कोर रखिंट आउट अफ 45 कमेंट सेक्शन में निहत भाव जनई पारे। जो मैंने चैनल नुआ अच्छे चैनल को सब्सक्राइब करूँ, अल बेल आइकन को क्लिक करूँ, जहाँद्वारा आप समस्त भिडर नोटिफिकेसन पाइपे। तो फ्रेंड्स जय हिंद, जय जगन्नाथ।